देश में इस वक्त गेहूं और आटे की महंगाई का संकट एक साथ झेल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं की थोक बाजार में ही कीमतों में एक चौथाई का इजाफा आ चुका है। आलम यह है कि आटा तो बाजार में मिल रहा है, लेकिन अगर कोई गेहूं लेना चाहे तो कीमतें काफी ऊंची है। पिछले रबी के सीजन में समय से पहले गर्मी पड़ने के कारण गेहूं पतला होने से और काफी मात्रा में गेहूं खराब होने से ये संकट आन पड़ा है। यही नहीं, चारा भी महंगा हो चुका है, जिस कारण दूध के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भूसा उत्तर प्रदेश में 1700 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं की थोक कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली है। देश भर में गेहूं का औसत थोक मूल्य नवंबर में 23% बढ़कर 2721 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा है। वहीं दिसंबर 2021 में गेहूं का अखिल भारतीय औसत थोक मूल्य 2212 रुपए प्रति क्विंटल था और इसका खुलासा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों में किया गया है। दरअसल कीमतों में बढ़त रूस और यूक्रेन संकट के साथ साथ इस साल गर्मी की जल्द शुरुआत की वजह से फसल पर पड़ने वाला असर के कारण दर्ज हुई है। वहीं कीमतों में अगले साल नरमी की संभावना भी है, क्योंकि इस साल गेहूं की बुआई पिछले साल के मुकाबले बड़ी है और किसानों ने ऐसे बीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया है जिससे मिलने वाली फसल ज्यादा तापमान में भी रह सकती है। वहीं मंत्रालय के मुताबिक गेहूं का उत्पादन 2020-21 में 109.59 मिलियन टन से घटकर 2021-22 में 106.84 मिलियन टन हो गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में मार्च और अप्रैल 2022 में भीषण गर्मी के चलते 2021-22 में गेहूं की अखिल भारतीय उपज 2020-21 में 3521 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। दरअसल गेहूं की भारी कमी आने से गेहूं के भाव 5 रुपए किलो से ज्यादा उछल गए। आटा 7 से 8 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया और खुले बाजार में गेहूं महंगा हो चुका है। नया गेहूं फिलहाल 3 महीने बाद आएगा और फ्री राशन में गेहूं की कमी से अब चावल की मात्रा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मालवा में चावल कम अथवा नाम मात्र का ही खाने के काम में आता है और वहां पर कीमतों में उछाल देखने को मिला है। आटा मिल वालों को मालवा राज गेहूं पर अब भरोसा करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी रोटी बेहतर नहीं बन रही। गेहूं के बड़े कारोबारियों का कहना है कि इस समय गेहूं की कमी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 30 लाख क्विंटल गेहूं पंजाब का रिलीज हो सकता है और अगर ये कवायद शुरू होती है तो आगामी तेजी रुक सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश की कृषि मंडी में लोकवन गेहूं 3000 से 3100 रुपए के भाव से नीलाम हो रहा है। मिल क्वालिटी गेहूं अर्थात आटा निर्माण का गज्जर गेहूं 2500 रुपए बिक रहा है। थोक में आटा 30 रुपए किलो और खरेची में 35 रुपए किलो तक भाव देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।